तो मैंने गाड़ी की जो चाबी है वो भी स्नीक कर ली थी और मैं छुपा कर लेकर आ गया हूँ, क्योंकि एक तरीके से मम्मी को भी ये सरप्राइज होने वाला है व्लॉग। आई जस्ट होप मारना पड़े बस। तो अभी हम मिलने वाले हैं पल्लव और हर्षित से। मैं मारना मत ये व्लॉग देखने के बाद। किचन में ब्रेकफास्ट बनाने और ब्रेकफास्ट में पकौड़े बनाने लगी हुई है। वॉक करके आए हम तो आते आते सब्जी भी लेके आए, तो सब्जी में ना पालक और गोभी लेके आए थे, तो मैंने सोचा आज पकौड़े बनाते हैं। आज इन्होंने नहीं बोला, आज मैंने अपने मन से बनाए हैं पकौड़े, क्योंकि बारिश, सच में बारिश हो रही है। देखो बाहर कितना मतलब काला काला हो रहा है, पूरे बादल छाए हुए हैं। और ये देखो इनको तो बिन मांगे मोती मिल गए। ये क्या कर रहे हो आप? कल पकोड़े खिलाए फिर खिला रहे हो। हेल्थ इज वेल्थ, में सारी सेहत की खराब कर दोगे। तो आते आपने पहले बोला है पकोड़े अच्छा खा लूं मैं। हाँ तो खाने में जब सामने पड़े होगा तो कौन मना करता है? कौन मना करता है, सही बात है, इसलिए हेल्प भी करने आ गए। हम तो खा लेंगे, पराठी के साथ पकोड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन निश्चय बाऊ जी ने नहीं खाने, तो उसके लिए मैंने पाव भाजी रखी है, क्योंकि इतने नखरे करता है ना, उसने पकोड़े खाने हैं ना ही उसने पराठे खाने हैं। पकोड़े जल जाएंगे, बना लें। तो आप क्या कर रहे हो? आप बनाओ ना। बना दिए, बस अब चेक करो। ये बेसन के पकोड़े बनाए मैंने, और ये मूंग दाल के लड्डू। मैंने कल मूंग दाल के चीले बनाए थे, तो थोड़ा सा बैटर बचा था, तो मैंने सोचा मूंग दाल के लड्डू बना लेते हैं। एक हफ्ते बाद आज कपड़े धुले थे, और मौसम देखो, अब मेरे को समझ नहीं आ रही इतने कपड़े मैंने धुला लिए, अब डालू कहाँ। इतनी तेज बारिश भाई, मतलब बारिश भी आज ही आनी थी, इतने दिनों से तो बारिश नहीं आई, हफ्ता हो गया बारिश नहीं आई, इतनी तेज गर्मी हो रही थी, और आज मैंने कपड़े धुलाए हैं तो आज बारिश। और ये देखो बुरा हाल हो रहा है हमारे घर का, इतनी तेज बारिश हो रही है ना, काम हो रहा है वैसे ही घर पे, तो सीमेंट रेता ये, इससे बुरा हाल हो रहा है। मलन साहब रात को पता क्या हुआ? आपको नहीं पता, रात को मुझे लगा जैसे बेल हुई है, मैं एकदम से उठी 12 बजे, और मुझे लगा कि अब्बू आया। जैसे वो अपना उसकी रूटीन होती थी कि वो 12 बजे आता था जिम से, तो मैं कैसे लिया, अब्बू तो ट्रॉफी लेके ही आया। हाय माशाल्लाह, उसने इतना भी बेस्ट दिया है, तो ट्रॉफी तो आनी चाहिए। पर मेरी बात तो सुनो ना, मुझे लगा अब्बू आया, तो मैंने ना दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के मैं 5-10 मिनट लिटरली वहाँ हमारे एक स्टूल सा पड़ा हुआ है जो बाहर, तो वहाँ पे बैठ गई। मैं देख रही हूँ 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, कोई आया ही नहीं, आया ही नहीं। फिर एकदम से मेरे स्ट्राइक हुआ, मैंने कहा यार मैं अब्बू की वेट कर रही हूँ, अब्बू तो बिग बॉस में है। और मैंने फिर दरवाजा बंद करा और आके सो गई, आपको भी नहीं बताया मैंने। तो दरवाजा खोल के मैं यहाँ बैठी रही और वेट करती रही, फिर मैंने दरवाजा बंद करा और आके चुपचाप सो गई। अभी भी यहाँ पे बिग बॉस ही चल रहा है, तो मलन साहब को तो फुल कॉन्फिडेंस है कि अभिषेक ट्रॉफी लेके आएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अभिषेक ट्रॉफी लेके आएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और एक बात बताऊँ, बहुत सारी नई सीरीज आई हैं, देखने का बहुत मन करता है, लेकिन बिग बॉस से टाइम मिले, फुर्सत मिले, तभी तो कुछ और देखें ना। ये जो इतने ज्यादा शौकीन है न्यूज़ देखने के, इन्होंने न्यूज़ छोड़ दी देखनी सिर्फ बिग बॉस देखने के लिए। 24 घंटे बिग बॉस चलता रहता है हमारे घर पे। Later that night. Hey yo, what's up guys? तो अभी मैं स्ट्रीम कर रहा था, स्ट्रीम खत्म हो गई है एंड रात के बज रहे हैं 10:30। तो अभी अभी मेरे को फोन आया है, बताओ किसका? पल्लव और हर्षित। अगर तुम लोग मेरे गेमिंग चैनल को देखते हो या फिर स्ट्रीम्स वगैरह देखते हो तो तुम्हें पता होगा पल्लव और हर्षित मेरे दोस्त हैं, जो ऑनलाइन मेरे को मिले थे। लेकिन पल्लव जो है वो गुजरात में रहता है, हर्षित तो दिल्ली में रहता है, तो पल्लव जो है वो दिल्ली आया हुआ है, और वो दोनों अभी जो है मेरे घर के पास आ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि चलो हम जो है मुरथल पराठे खाने जाते हैं। एंड बाय द वे, जब ये मम्मी व्लॉग देखेंगी तो वो भी सरप्राइज होने वाली है, क्योंकि मम्मी को भी नहीं पता है कि मैं उनके साथ जा रहा हूँ छुप छुप के। हाँ, तो मैंने गाड़ी की जो चाबी है वो भी स्नीक कर ली थी और मैं छुपा कर लेकर आ गया हूँ, क्योंकि एक तरीके से मम्मी को भी ये सरप्राइज होने वाला है व्लॉग। आई जस्ट होप मारना पड़े बस। तो अभी हम मिलने वाले हैं पल्लव और हर्षित से। तो अभी हम छुप छुप के उतरने लगे हैं, मम्मी मारना मत ये व्लॉग देखने के बाद। तो
तो घर से एस्केप तो हो गया है सक्सेसफुल। अब गाड़ी में बैठते हैं और मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं, क्योंकि पल्लव का भी फ़ोन आया है, वो मेट्रो स्टेशन पहुंच गए, मेरे घर से 2 ही मिनट दूर है, तो मिलते हैं फिर। और हम जाने वाले हैं अपनी हैरियर विच। बताओ इतनी देर लगा दी आने में, मैं यहाँ पे लेजिट कम से कम मेरे को 20 मिनट हो गए, तूने बोला था हम पहुंच गए। अरे हमने पता है रूम लॉक किया लेकिन उसमें कुंडी नहीं लग रही थी। हाँ इसकी कुंडी नहीं लग रही थी रूम में, और फिर मेट्रो भी नहीं मिली आधे घंटे से। तो इसकी कुंडी नहीं लग रही थी तो तूने क्या किया? मैं देख रहा था इसकी कुंडी, मैं अकेले थोड़ी आता, मैं तो पहली बार आया हूँ। आजकल के छपरी दल्ले बेरोजगार जो है ये गुजरात से आ जाते हैं, होटलों में रहते हैं और इनसे कुंडियां नहीं बंद होती। बताओ नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ, कमाल रिसेप्शन को आधे घंटे बाद अपने आप हो गई। वाह अब चले मुरथल, चलो 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 चलो। बाय द वे व्लॉग जो देख रहे हैं सबको हेलो तो बोल दे। हेलो गाइस, सब्सक्राइब। हेलो सब्सक्राइब कौन बोलेगा, सब्सक्राइब टू ट्रिगर्ड इंसान। क्या क्या अबे डिंपल मिलान व्लॉग्स पे, डिंपल मिलान व्लॉग नहीं बट सही है सब्सक्राइब टू ट्रिगर्ड। तो जी पहुंच गए हैं हम हवेली, क्योंकि आओ कभी हवेली पे, और यहाँ पे बच्चों की राइड है। जा हर्षित वो बच्चों वाला, वो ये तेरे चश्मे पे क्या हुआ? ये तो फॉग है ये तो। अरे मैं कह रहा हूँ वो ट्रेन आ रही है भाई, उस ट्रेन पे जाके बैठेगा हर्षित? जा सकते हैं। अच्छा चलो चल उसको कुछ खिला। दिस इज माय अनदर ब्लॉगर फ्रेंड, काट लेगा तेरे को ये भी आ गया। अरे आओ भाई पाजी, दो चैनल को मिलवाते हैं दोनों मियां जी। हेलो तेरे चश्मे पे क्या हुआ है? मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे भी यही है। हर्षित ट्रेन आ गई फिर से, बैठ जाओ। अरे हड़दा भाई चढ़ा देंगे भैया ऊपर से। अरे तुम लोग इधर आओ, एक बात बताओ। हाँ। तुम ये इतनी रात को रेडी वेडी होके आए हो, जूते वूते पहन के, मेरे को देखना जरा। आपको जरूरत नहीं है ना, जरूरत आपको नहीं है रेडी होने की, हमें जरूरत है रेडी होने की। वैसे हवेली दिखने में अच्छी है, हवेली की प्रमोशन नहीं है बट ओके। ये भाई पूरी फैमिली निकली है ट्रिप पे, तेरे को यहाँ क्यों छोड़ गए? पता नहीं अरे क्योंकि डिफरेंस है ना थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा माय गॉड आई डू नॉट सपोर्ट रेसिज्म गाइस। अरे जा पल्लव जा, मेरा भाई मिल गया। अबे यार मैंने कुछ नहीं बोला, ये अपने आप अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। बरसात के मौसम में All right. तो पराठे आ गए हैं सबके, ready to eat. तो खाना खा के बता कैसा है। आजकल के छपरी नल्ले बेरोजगार जो हैं, ये बस वेट करते रहते हैं ले अपनी बारी का। बहुत अच्छा मजा आ गया। स्पेशली ये वाली जो चटनी है बहुत यम्मी है। वाह ये क्या है पता नहीं, जिंजर गार्लिक है। दिन लंगड़ना रात लंगड़ तेरे इश्क़ चेचना।